बैक टू माई चैनल। कैसे आप सब? होप सो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो आज का वीडियो होने वाला है अमेजोन के वायरल प्रोडक्ट्स के बारे में। तो ये है वायरल प्रोडक्ट, सीसा चला गया, कोई बात नहीं। सो ये है मेरे कुछ वही वायरल प्रोडक्ट्स जो मैंने मंगाए हुए हैं, जिनको मैं बारी बारी से टेस्ट करूंगी और आपको उनका रिजल्ट दिखाऊंगी कि वाकई में ये काम करते हैं कि नहीं करते, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या ये वेस्ट ऑफ मनी। ट्राई करते हैं और आपको दिखाती हूँ कि ये वर्क करते भी हैं कि नहीं करते। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। अपनी स्किन करेक्ट कर लिए जहाँ जहाँ मुझे करेक्शन की नीड लग रही थी, क्योंकि मेरे को पिगमेंटेशन थोड़ा सा डार्क सर्कल यहाँ पे मुँह के अराउंड थोड़ा सा पिगमेंटेशन थी, इसलिए मैंने उसको हाइड कर लिया है। अब मैं ये जो प्रोडक्ट है, ये वाला ब्रश जो है फाउंडेशन ब्रश, इसको मैं जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रखा था, तो मैंने सोचा काफ़ी लेट ट्राई कर रही हूँ पर ट्राई कर लेती हूँ। सो इसमें मैं फाउंडेशन लगाने वाली हूँ, से देखने वाली हूँ कितना, मतलब स्मूथली बहुत दिखाते हैं वीडियो में कि ब्लेंड करता है बहुत ही स्मूथली, तो देखते हैं कितना करता है। तो इसके लिए मैं फाउंडेशन ले लेती हूँ, बंद कर देते हैं और फटाफट से इसे अप्लाई करते हैं। ये मैंने लिया, अब मैं इसको अप्लाई करती हूँ। दिख रहा है कुछ? ब्लेंड तो कर रहा है काफी स्मूथली, दिखा प्रोडक्ट ये, मतलब ज़्यादा जैसे ब्लेंडर होता है ना प्रोडक्ट, ज़्यादा थोड़ा वो ऑब्जॉर्ब कर लेता है बट ये नहीं कर रहा है। मेरे उस पर जो है, मैं जो ट्राई कर रही थी उस पर ये खराब। ओके गाइस, तो बेस मेरा मैंने पूरा डन कर लिया है। अब मैं आईब्रोज की बारी, तो आईब्रोज के लिए मैंने ये मंगाया हुआ था, तो इसको अभी हम ट्राई करते हैं। और मैं इसको पहले ओपन कर चुकी हूँ, तो ये ऐसा बॉक्स में आता है और प्राइस इसकी क्या थी मैं भूल गई, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे मंगाए हुए, आई थिंक 3-4 महीने हो गए मुझे इसे मंगाए हुए। सो ये इस तरह का आता है, इसके साथ आपको ये आईब्रो के शेप के आपको 3-4 शायद मिल जाते हैं, और इसमें से कोई ना कोई एक आपका शेप होगा अगर तो मिल जाएगा। इसके साथ में आती है एक ये स्पूली, जिसे आप ऐसे ऐसे अपने आईब्रोज पर काम कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ठीक है कैसा है, अच्छा ऐसे मिला। सो ये है ऐसा प्रोडक्ट है, और ओके सो इसमें ना ऐसे यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो इसमें जब आप ऐसे ऐसे करते हो ना तो ये स्टैम्प जैसे स्टैम्प वर्क नहीं करता है, उसको आप ऐसे इंक में ऐसे लगाते हो फिर ऐसे मारते हो, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ऐसे करोगे ये देखो, ये इसमें प्रोडक्ट आ गया। अब इसको आप यहाँ पे ये देखो आ हाँ, और इसमें शेड भी आते हैं, ब्लैक आता है एंड ग्रे आता है, ब्राउन, डार्क ब्राउन भी है, तो ये शायद मैंने डार्क ब्राउन मंगा लिया है लेकिन ये ब्लैक जैसा ही दिख रहा है मुझे। तो इसको करते हैं सबसे, तो उसके लिए सबसे पहले हम पहले अपने आईब्रो के शेप का वो ढूंढते हैं, क्या बोलते हैं ये जो शेप वाला है इसी से ढूंढते हैं, ठीक है। अरे उड़ो मत भाई। सो ये तीन है, तीन में से एक का ये निकला हुआ है और ये है ये, तो मैं तीनों को ट्राई करके देखती हूँ, ठीक है। तो ये वाली थोड़ी सी थीन है, वैसे मेरी भी कोई आईब्रो बहुत ज़्यादा मोटी है नहीं, कैमरे पे मैं देखूँ ना तो मुझे दिखेगा नहीं, और मेरी आंखें इतनी अच्छी है नहीं क्योंकि चश्मा लगता है। सो वो हम ट्राई करने का कोशिश करते हैं, अगर हो जाते हैं तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे आगे रख के ऐसे करती हूँ, ठीक है, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो, क्योंकि ये परफेक्ट आईब्रो के शेप का तो नहीं मिलेगा, ठीक है। और मैंने फाउंडेशन लगा हुआ है ना, तो इसको स्टैम्प कर लिया, ये इस तरह आ गया। अब इसको हम अपने यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, और इसको आप और भी कई तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। कितनी अजीब लग रही है मैं इसको लगाकर। सो अभी देखते हैं
ओके, फिल तो हो गई यार, काफी अच्छी तरीके से फिल हुई है। बस वो थोड़ा सा आपको वो करना पड़ेगा अपने हिसाब से। जैसे मेरी यहाँ की देखो, ये मतलब उतनी लेंथ नहीं है इसमें, तो यहाँ की जो मेरी आईब्रो है वो छूट गई है, तो इसको मैं ऐसे फिल कर लूँगी और इधर की भी कर लेते हैं, तो मुझे ठीक करना पड़ेगा। और यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है ना, ये पूरा लग गया है यहाँ पे। सो ओवरऑल वर्क तो करता है, अच्छा कर रहा है। बस जो इसका ये शेप वाला है ना, ये एग्जैक्ट आपकी आईब्रो के शेप का नहीं होगा, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। बाकी प्रोडक्ट अच्छा है, अगर आपको आईब्रोज फिल करनी नहीं आती अच्छे से तो आप इनका यूज कर सकते हो। अब आ रही आती है हमारे ये दो प्रोडक्ट। अभी मैं इसको केवल अपने लिप्स पे ट्राई करने वाली हूँ, तो मैं ये वाला लगाऊँ कि ये वाला लगाऊँ, ये वाला ट्राई करती हूँ, पिंक पिंक वाला, देखती हूँ कि ये होठों पर कैसा कलर देता है। सो ये इसका कुछ ऐसा ऐसा ये है, तो मैं इसको लिप्स पे लगाती हूँ, देखते हैं। इसको लगा के थोड़ी देर छोड़ना होता है ड्राई होने के लिए, दांत बस मेरे लाल ना हो जाए, पिंक ना हो जाए, क्या खून की ऐसी चुड़ैल ना बन जाऊं। लगाने के बाद मेकअप का वही एकदम चेंज हो गया है, क्योंकि मेरे ओंठ जो है वो चिपक रहे हैं, तो इसको ड्राई होने के बाद मिलती हूँ आपसे। बाय। पूरा मेरे ओंठ में चिपक गया ड्राई होने के बाद, तो इसको ऊपर का तो अपने आप ही निकल गया, नीचे का निकाल देखते हैं। ओके, तो मैंने इसको पूरा क्लीन कर लिया, पर ये जैसे ही मुंह में आ रहा है टेस्ट में ऐसे कड़वा कड़वा सा आ रहा है, और ये ट्रांसफर हो गया। बट एक्चुअल बता दूं, ये कैमरे में जैसा कलर दिख रहा है इतना ज्यादा डार्क, वैसे नॉर्मली इतना है नहीं डार्क, ठीक है। तो ये मैं क्या करने वाली हूँ, इसमें थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगाते हैं, ठीक। तो ये लिया मैंने लिप ग्लॉस, इसको हल्का हल्का सा लगाते हैं। वैसे इतना डार्क वो कैमरे में दिख रहा है, एक्चुअल में नहीं है, बट ये दिख रहा है अंदर की जो स्किन है वो रेड हो गई है, लिप्स जो है वो लाइट हो गए। मे बी लिप्स थोड़े से डार्क होते हैं ना, इनमें पिगमेंटेशन हो जाती है, पिगमेंटेड होते हैं इस वजह से। सो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ, मैंने वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया है। सो ये है आई शेडो एंड आई लाइनर एप्लीकेटर टूल, जिसको हम निकालेंगे, और ये ऐसे ही आया था, ऊपर से इसमें अमेजोन का जो होता है कवर वो था, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं था। तो ये है स्टिकर्स, स्टिकर्स जैसे आपको स्टिक करना है, और फिर इनको आपको अपनी आईज में अप्लाई करना है। और ये आई शेडो एप्लीकेशन के लिए भी है आपके पास, स्मोकी आई, मैं कौन से आई करूँ, मेरी तो हुडेड आईज हैं। अच्छा, तो ये है आपका स्मोकी आई का पूरा ये है, और इसमें आपको पूरे क्लासिक आई शेडोज का सेट मिल जाता है। तो पहले हम आई शेडोज लगाएंगे, उसके बाद हम आई लाइनर अप्लाई करके देखेंगे कि कैसा लगता है। तो ओके, सो इसमें लिखा हुआ है राइट एंड लेफ्ट, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन हो, पूरी क्लियरिटी की हो, ठीक है। तो अभी मैं इसको अप्लाई करती हूँ, तो राइट आई में इसको ऐसे प्लेस करना है, इसको यहाँ कॉर्नर से स्टिक करके फिर इसको यहाँ तक लाना है। आई थिंक अब मैंने सही लगाया है इसको। अब देखो, इसको लगाने के बाद मेरी आंखों के बीच में स्पेस कितना बच रहा है, कितना स्पेस बच रहा है जो मैं इसमें आई शेडो लगा लूँ। खैर कोई नहीं, अभी शुरू करते हैं, कुछ ऐसा ही लगाते हैं, देखते हैं। ये पिंक कलर, और अब अप्लाई करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। ओके, सो ये हो गया, अभी इसको निकालते हैं और देखते हैं कि ये क्या जादू कर रहा है। टन टन, मुझे मारो, मारो, मुझे मारो। ये करता है, ये तो कुछ बोला ही नहीं, इससे अच्छा था बिना इसके ही पोत लो तो ज्यादा अच्छा है। तू तो क्यों चुप, हट।
भाई ये टोटल वेस्ट ऑफ मनी है, बिल्कुल मत ले। अभी हम लाइनर लगा के देखते हैं और फिर आपको आफ्टर रिजल्ट दिखाएंगे क्या होता है। ओके सो मैंने इसको फिक्स कर लिया है, बट ये जो आई शेडो वाले स्टिकर्स हैं ये तो टोटल ही वेस्ट है। एंड इनसे जो एक्सपेक्टेशन थी ये उस पर खरे तो नहीं उतरे, तो ये वेस्ट ऑफ मनी है। अब उनको देखते हुए मुझे इससे भी कोई उम्मीद नहीं है कि ये कुछ करेगा, बट ट्राई करके देख लेते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है। ठीक है वैसे देख लेते हैं। तो मैं थीन वाला ले रही हूँ क्योंकि मेरी आईज वैसी हैं। ठीक है ओके सो इसको निकाल के अप्लाई कर लेते हैं। हुडेड आईज है, इसमें विंग बने हुए हैं तो मेरी आँख पे तो लगने नहीं वाले। देखते हैं लगा करके, देखते हैं लगा करके। भाई कैसे लगाऊंगी इसको, आंख बंद करके मैं खोल के लगाऊंगी। मेरी तो आंखें ही सत्यानाश है। ओके कोई नहीं, मैंने जैसे तैसे लगा लिया। ठीक है अब मेरा लाइनर कहाँ है पहले मैं वो ढूंढ लूँ, क्योंकि मुझे लाइनर का नहीं पता अपने। ओके सो ये लाइनर है, फटाफट तो लगाते हैं आँख ज़्यादा देर कैसे बंद रखूँगी मैं, मेरी आँखों के लिए तो नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दैट बट लेट्स ट्राई। तो मैं इसको अप्लाई करती हूँ। इसको निकाल करके देखते हैं। 1 2 3 इससे आगे तो मैं अपने हाथ से भी लगा लेती हूँ। और रही बात विंग्स की, तो कुछ ऐसा विंग लगा हुआ है इसमें। ओके सो मैंने अपनी दोनों आँखों में जो है अप्लाई कर लिया है आईलाइनर, और इसको मैंने थोड़ा लगता है अच्छे से प्लेस कर लिया था तो ये थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है। और ये वाला मैंने थोड़ा ऊपर से लगा लिया था इस वजह से ये थोड़ा सा मुझे ये वाला ठीक नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। बट मेरी दोनों आँखों में डिफरेंसेस क्या है, ये इसमें थोड़ा सा स्पेस दिया होता है और ये वाली जो स्किन है ये बिल्कुल ऐसे यहाँ पे आ जाती है, इसमें स्पेस नहीं देता है। तो इसके लिए मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया था जिसको मैं आपको दिखाने वाली हूँ। कहाँ गया वो टैंटलान? तो ये वाला प्रोडक्ट आप सब ने काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम में और सब जगह मैंने वीडियो, मैंने इंस्टाग्राम में मेरे बहुत ज़्यादा ये आ रहा था तो मैंने सोचा मंगा के देखती हूँ। मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, अगर इसने वर्क किया अच्छा तो काफ़ी अच्छा यूज़फुल हो जाएगा, क्योंकि मेरी आईज हुडेड है ना तो बहुत ही छोटी छोटी सी लगती हैं, इसलिए मैं कभी काजल नहीं लगाती हूँ और ना ही लाइनर वगैरह लगाती हूँ। लाइनर लगाने के बाद और भी, और मेरे पता नहीं क्यों मेरी, मुझे अभी अपना फेस ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा सा चाइनीज जैसा फेस लग रहा है मुझे। हाँ वैसा ही कुछ आ रहा है। खैर तो ये ऐसा है, इसको मैंने यूज़ भी किया एक बार अपनी सिस्टर की वेडिंग में, मैंने इसको यूज़ किया था। तो मतलब इसको यूज़ कैसे करना होता है ये बता दो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने स्किन केयर कर लिया मेकअप करने के पहले अपने इसको अगर आईज में अपने अप्लाई कर लिया तो मतलब ये इनविजिबल तो हो जाता है, दिखता तो नहीं है फॉर श्योर, बट ये जब आप ब्रश से एप्लीकेशन करते हो ना आई शेडो वगैरह ये सब करते हो तो फिर ये निकल जाता है, क्योंकि इसकी ग्लू इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि मतलब स्किन में एकदम से चिपक गया तो फिर निकलेगा नहीं। तो क्या करना होता है ना, इसको अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है, पूरा अपना मेकअप कंप्लीट कर लेना है, आई मेकअप आपको सारा कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद इसको अप्लाई करना है। और ये लगने के बाद फिर बिल्कुल दिखता नहीं है कि कहाँ पे आपने लगाया हुआ है इसे। ठीक है तो ये जो दिख रहे हैं ये इस तरह के, ये इस तरह के ये टेप जैसे होते हैं और स्किन बिल्कुल स्किन के टाइप के होते हैं, तो इनको ऐसे निकालना है। ये सारे निकल आया, दिख रहा है बहुत ही गौर से देखने में दिखता है। और इसको मैं अपनी आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी। सो मैं मिरर पकड़ूंगी, ये पकड़ूँ अभी मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। और डिफरेंस आप देखना कितना ज़्यादा जो है ये डिफरेंस आँख में क्रिएट कर देगा मेरे, देख रहे हो आईलिड में कितना बड़ा डिफरेंस है। पहले ये स्किन एकदम ऐसे इसमें ऐसे रखी हुई थी और अभी इसने इतना ज़्यादा स्पेस जो है क्रिएट कर दिया है मेरी आईलिड में।
और ये पता भी नहीं चलता कि आपने लगाया हुआ है। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इसमें ना काफ़ी ज़्यादा है, आप इसको पता नहीं कितनी बार यूज़ कर सकते हो, ये काफ़ी बड़ा रोल जैसा है। तो और एक इसके उसमें होते हैं चार, तो आप काफ़ी लंबे टाइम तक इसे यूज़ कर सकते हो। सो मैंने इसको अपनी वाली आइज में अप्लाई कर लिया, आप देख सकते हो डिफरेंस आपको दिख रहा होगा आँखों में मेरे दोनों डिफरेंस, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। तो ये हुडेड आइज वालों के लिए तो भाई मस्ट हैव प्रोडक्ट है, आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये देख सकते हो आप डिफरेंस दोनों आँखों में कितना ज़्यादा आ गया है। तो ये मुझे, ये प्रोडक्ट तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बट ओके गाइस, तो यही था मेरा आज का वीडियो, इन सब प्रोडक्ट्स का रिव्यू देना था मुझे, आप सबके साथ शेयर करना था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए। तो चलिए मिलती हूँ आप सबसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।